हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी टॉक्स विद सिमरन में बहुत 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 स्वागत है। और मैं हूँ आपकी अपनी हूँ सिमरन। तो आज मैं लेकर आई हूँ वो टॉपिक जो 9वें महीने में एक माँ के दिमाग में ज़रूर घूमता है कि मेरी प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी में जाएगी या फिर सी सेक्शन में जाएगी। बहुत सी महिलाएँ जो होती हैं ऑपरेशन से घबराती हैं, और वहीं कई महिलाएँ प्रेफर करती हैं कि ऑपरेशन ही हो जाए। तो अगर आप नॉर्मल डिलीवरी वाली महिला हैं जिसको घबराहट नहीं होती, जिसको एकदम आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग में हो, तो आप ये चार चीज़ें खा के अपनी जो प्रेगनेंसी है और उसमें नॉर्मल डिलीवरी की प्रेगनेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड, फर्टिलिटी से रिलेटेड बहुत से रेलिवेंस वीडियो मिलेगी जो आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ महिलाएं तो ऐसी होती हैं जो घबराहट के मारे ही सी सेक्शन डिलीवरी अडॉप्ट कर लेती हैं, वहीं कई जो स्ट्रांग होती हैं वो नॉर्मल डिलीवरी के जाती तो हैं मगर पेन इससे ज़्यादा टाइम ले लेता है जितना नॉमिनल टाइम होता है। तो वो उनकी जानबूझकर डॉक्टर जो है सीजेरियन डिलीवरी के लिए उनको भेज देते हैं। वो कुछ उनकी सिम्टम के कारण हो सकता है, कुछ उनके जो बच्चेदानी का मुंह है वो नहीं खुलता उसके कारण हो सकता है, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह जो है वो 10 सेंटीमीटर तक ओपन होना ही चाहिए, उसके बाद जो है आपके डॉक्टर जो है सीजेरियन डिलीवरी कर मतलब लाइक नॉर्मल डिलीवरी करते हैं। तो अगर आपकी फर्स्ट डिलीवरी है तो आपको जो पेन होगा, जो लेबर पेन होगा, वो 10 to 14 आवर्स का होगा। वहीं अगर आपकी सेकेंड डिलीवरी है तो आपका 6 to 10 आवर्स में ही काम जाएगा। तो अगर मैं जो आज आपको चीजें बताने जा रही हूँ, अगर आप खा लेते हैं तो इससे आपकी जो डिलीवरी है वो सेकंड बेबी मान लीजिए से 6 से 10 घंटे के अंदर अंदर आपको बहुत जल्द से जल्द नॉर्मल डिलीवरी में बेबी आपके हो सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं ऐसी हमने क्या चीज़ें खानी है 9वें महीने में जिसको आपका बेबी नॉर्मल डिलीवरी के लिए आ सके। तो सबसे पहले आता है कैस्टर ऑयल। अब आपने बहुत जगह सुना होगा कैस्टर ऑयल पीने से बेबी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के आता है, रीज़न क्या है वो जानते हैं। तो देखिए, कैस्टर ऑयल अगर आप चाय में, पानी में, दूध में, किसी में भी एक चम्मच पीते हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो टूल जिसके पास होता है तो वो आपका टूल जो है वो क्लीन कर देता है, जिसकी वजह से जो आपको कब्ज जैसी प्रॉब्लम नहीं होती और बच्चे को ज़्यादा स्पेस मिलता है नीचे आने में। अगर आपके पेट में कब्ज जैसी प्रॉब्लम होगी तो आपका बच्चा जो है वो नीचे नहीं आ सकेगा। मे बी आप मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि अगर आपको लूज की प्रॉब्लम है, मतलब आपको मैं डायरेक्ट बात करूँ तो अगर आपको पोटी नहीं आती है, आपको कब्ज रहती है, उस वजह से भी जो आपका बेबी होता है वो जल्दी हेड डाउन नहीं करता। तो आपको जो है 9वें महीने में कैस्टर ऑयल 1 चम्मच 3 चीज़ों में मिला के पिए, किसी में पी सकते हैं आपके ऊपर है। अगर आप पीते हैं तो आपको कब्ज नहीं रहेगी, जिसकी वजह से बच्चेदानी में बच्चे का मुँह जल्दी फंसने के चांसेस हो जाते हैं, बच्चा जल्दी नीचे आ जाता है। अगला है आपका गर्म चीज़ें। अब इसके बारे में मैं बता नहीं सकती, कई महिलाओं के घर में तिल के लड्डू बनते हैं तो वहीं कई महिलाओं के घर में गोंद के लड्डू। तो आपके घर में जो भी गर्म तासीर की चीज़ से कोई भी लड्डू बनाए गए हैं अब वो खाइए, जितना हो सके गर्म तासीर वाली चीज़ें खाइए, कच्चा पपीता खाइए। ऐसी चीज़ें खाने से भी आपकी जो लेबर पेन है वो जल्दी इंड्यूस होगी और आपका जो बच्चा है, बच्चेदानी का मुँह है, जल्दी खुलेगा। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाते हैं तो आपके लिए ये चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि आप गर्म तासीर वाली चीज़ें 9वें महीने से शुरू कर दें। अगला है आपका घी। आपने सुना होगा घी प्रेगनेंसी में 9वें महीने में आपको बहुत से बड़े बुजुर्ग कहते हैं खाइए। उससे क्या होता है, आपके जो अंदर बॉडी में चिकनाहट आती है, चिकनाहट आने से बच्चेदानी के मुंह पे बच्चे का सर जल्दी फंसता है, बच्चा जल्दी नीचे आता है, जिसकी वजह से आपकी जो डिलीवरी है बहुत स्मूथली हो जाती है। तो 9वें महीने के बाद आप दूध में या गर्म पानी में ये घी मिला के पी सकती हूँ। क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा, 2 से 3 चम्मच कर लीजिएगा, जितना आप कोशिश कर पाएँ। आप सब्ज़ी में मिला के खाना, रोटी पे लगा के खाना, खूब घी खाइए, क्योंकि घी आपकी बॉडी के लिए बुरा नहीं होता उस टाइम पे। मगर अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो अब घी अवॉइड करिएगा। अगर आप कैस्टर ऑयल नहीं पीना चाहते तब आप घी खा सकते हो, अदरवाइज आपको अगर बीपी की प्रॉब्लम है आप कैस्टर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगला है होम्योपैथी मेडिसिन। अब देखिए, होम्योपैथी मेडिसिन सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा है, बट कई महिलाओं ने होम्योपैथी मेडिसिन खाकर भी 8 मंथ के बाद, 8 मंथ से स्टार्ट कर देनी है आपने, उसके बाद भी बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी से जन्म दिया है और उनकी जो लेबर पेन है उसका टाइम बहुत ज़्यादा कम था, मतलब आपको जल्द से जल्द लेबर पेन आएंगे और आपका जो नॉर्मल बेबी है जो 6 से 10 घंटे में होता है उससे भी जल्दी आपका जो बेबी है वो बॉर्न हो जाएगा। तो होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के लिए आपको 8 मंथ से प्रिपेयर रहना है,
बाकी चीज़ें आप 9वें महीने स्टार्ट करिए, मगर आपको 8 मंथ से होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है। तो ये 4 चीज़ें थी जिसको खाने से आपका जो बेबी है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जल्दी आता है, आपके बच्चेदानी का मुँह जल्दी खुलता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिसको इसकी सबसे ज़्यादा नीड हो। थैंक यू सो मच।